सोलन में पहुंचे नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा ने मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उन्हें विधायक निधि में जो भी फंड मिलता है केवल उसी से वह नालागढ़ का विकास करवा पा रही हैं। उन्हें कोई भी अतिरिक्त फंड सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में क्योंकि कांग्रेस का विधायक है इसलिए इस क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नालागढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। उनकी विकास की गति को देखकर भाजपा के पूर्व विधायक KL ठाकुर पूरी तरह से बौखला चुके हैं। जहां भी वह उद्घाटन करने जाते हैं वहां भाजपा के पूर्व विधायक नारियल लेकर उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, जो बेहद हास्यप्रद है। कांग्रेस के विधायक लखविंदर राणा ने कहा कि वह नालागढ़ का विकास करवाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं, जिसे देख भाजपा के पूर्व विधायक KL ठाकुर पर बेहद परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि KL ठाकुर उद्घाटन का सारा सामान अपनी गाड़ी में रखते हैं, यहां तक कि एक पंडित भी उनके साथ हमेशा रहता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वह उद्घाटन करने जा रही हैं, भाजपा नेता वहां पहले पहुंचकर उद्घाटन करने में जुट जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूर्व विधायक केवल अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिलवा रही हैं, अन्य ठेकेदार उनसे बेहद निराश है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे और दो बार विधायक बने हैं, लेकिन अब उन्हें बदनाम करने के लिए भाजपा के कुछ नेता अफवाह उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भाजपा में दोबारा वापस जाने का प्रयास कर रहा हूं। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, हर जगह हालत बड़ी खराब है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। जो हम काम करा रहे हैं अपने विधायक प्राथमिकता, जो हमारे को 150 करोड़ रुपया हर विधायक को जो हर कंस्टिट्यूंसी के लिए 5 साल के लिए मिलता है, उसके लिए नई सड़कें बन रही है, उसी से जो पुरानी सड़कें उनके ऊपर तार को डर रहा है, उसी से पीने की स्कीमें बन रही है, उसी से जो सिंचाई की स्कीमें बन रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कोई खास हमारे निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ या पूरे प्रदेश के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जो कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर लाए गए। दूसरी बात रही ट्रांसफार्मरों की, जो ट्रांसफार्मरों की बात वो कहते हैं, हमने तो कोई ऐसी कोई राजनीति शुरू नहीं की, लेकिन उनकी पार्टी के पूरे विधायक वो साथ गाड़ी में जो है अपने KL ठाकुर जी जो है पंडित भी अपनी गाड़ी में साथ रखते हैं, नारियल की बोरी भी साथ रखते हैं, चटाई भी उनके पास होती है। जहां उनको लगता है कि अब ये काम लखविंदर राणा करवा रहा है, लखविंदर राणा के माध्यम से ये काम हो रहा है, वहां वह चुपचाप चटाई बिछा कर बैठ जाते हैं और नारियल फोड़ देते हैं। लेकिन ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे भी 30-35 साल जो राजनीति में हो चुके हैं, दूसरी बार मैं विधायक बना हूं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, रविंदर रवि जैसे सीनियर लोग बैठे हैं, और हमारे अपने अन्य जो है हल्के उसके भी जो है वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी कोई प्रथा शुरू नहीं की, जबकि उनका कैलिबर इससे तो बहुत आगे है। लेकिन KL ठाकुर जो है बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। व्यापारी आदमी है, जितने भी BBNDA के ठेके और ठेकेदार के जो उन्होंने अपने लड़का नहीं उन्होंने अडोप किया अपने भाई का, उसके नाम ठेके हैं, 150 ठेकेदार हैं। 150 ठेकेदारों में से मुझे नहीं लगता 145 शाही ठेकेदार सब नाराज हैं, किसी को काम नहीं मिला, चाहे BBNDA का काम हो, चाहे PWD का काम हो, चाहे IPH का काम हो, चाहे आप ट्रांसफार्मरों की बिजली के बात की उनका काम हो, चाहे कोई अन्य काम है, सारे काम जो है KL ठाकुर जो है वो खुद कर रहा है। और माइनिंग जो है सबसे ज्यादा KL ठाकुर जो हमारे हल्का नालागढ़ में हो रही है, पूरे प्रदेश में बहुत काम होगी शायद, लेकिन हमारा जो ये हल्का नालागढ़ है वहां पर KL ठाकुर जो पूर्व विधायक है वो जो जब से सरकार बनी है 4 साल से ज्यादा समय हो गया, सरकार का भरपूर सहयोग और समर्थन उनको हासिल है, और 4.5 साल में लगातार उनके जो है बड़े बड़े हाईवे बड़े बड़े ट्रिपल जो है चल रहे हैं, तो पूरी जो है माइनिंग को लोग कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खनन माफिया जो है KL ठाकुर है, और उसको जो है सरकार का पूरा आशीर्वाद है। इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, जब वो विधायक थे कोई विकास का काम नहीं कर पाए, ना लोगों के बीच में जाते थे, लोगों में बीच में जाने से डरते थे, लोग मार करते थे, तो इस करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और विकास के जितने भी काम हो रहे हम करा रहे हैं, नेशनल हाईवे का काम तो नालागढ़ से स्वरगढ़ का रोड आपने देखा होगा, और 5 साल वो विधायक रहे, एक बजट की कटकी भी वहां पर लगा नहीं सके, लेकिन जब हम विधायक बने 5 महीने के अंदर अंदर जो हमने उस सड़क बनाई, क्योंकि जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में होता है
तरह तरह की अटकलें बिना वजह लगाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, दो बार मंडल अध्यक्ष रहा, एक बार जिला अध्यक्ष रहा। जब से हमने पार्टी को छोड़ दिया, तंजादी दे दी, तब के बाद हम कभी भी उनके संपर्क में नहीं है, न हमारे को संपर्क करने की आवश्यकता है। हमारे को कांग्रेस पार्टी ने दो बार MLA बनाया है और तीसरी बार फिर आपकी कृपा से जो है MLA बनेंगे, तो हमारे को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल झूठा प्रोपोगंडा जो किया जा रहा है। हम जो है कांग्रेस में खुश है, कांग्रेस के नेतृत्व से खुश है, इस तरह हम कांग्रेस में बिल्कुल निराधार और रुक गए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।